हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। 135 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 139 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर, 146 सेंटीमीटर, 149 सेंटीमीटर, 143 सेंटीमीटर एंड 141 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें 10 गर्ल्स की हाइट दे रखी है सेंटीमीटर में, और इसी डाटा से रिलेटेड हमसे यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम वन बाय वन इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया स्टूडेंट्स, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, यानी कि हमें सबसे लंबी लड़की की हाइट बतानी है। तो इस डेटा में आप चेक कर सकते हैं, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 151 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल इज इक्वल टू 151 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, यानी कि सबसे छोटी लड़की की हाइट कितनी है। तो इस डेटा में अगर आप चेक करेंगे तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू है 128 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, ये जो डेटा हमें यहाँ पर गिवन है हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो हम रेंज कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, रेंज निकालने के लिए हम हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से माइनस करते हैं लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को। तो इस डेटा में जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 151 सेंटीमीटर, और जो लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है 128 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने लिखा है रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। रेंज यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आएगा, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन की जगह यहाँ हम लिखेंगे 151, माइनस का साइन एज इट इज, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन की जगह यहाँ हम लिखेंगे 128। जब आप 151 में से माइनस करेंगे 128 को तो आपको मिलेगा 23। तो इस डेटा की रेंज आ गई है स्टूडेंट्स 23 सेंटीमीटर। फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा गया स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स, यानी कि यहाँ पर हमें जो ये डाटा गिवन है हमें इसका मीन फाइंड करना है। हम मीन कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मीन यहाँ पर हम एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू का साइन भी यहाँ एज इट इज आएगा, और न्यूमरेटर में हम सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर देंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में हमें क्या चाहिए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर आप अपॉन में लिखेंगे 10। जब आप इन सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा 1414। तो यहाँ न्यूमरेटर में आप लिखेंगे 1414, अपॉन में ये जो 10 है ये यहाँ पर अपॉन में एज इट इज आएगा। अब हमें 1414 को डिवाइड करना है 10 से, तो हम यहाँ अपॉन से ये जीरो हटा देंगे स्टूडेंट्स, और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ है। देखिए न्यूमरेटर में कहीं डेसिमल नहीं दिख रहा, तो जब डेसिमल कहीं नहीं होता तो डेसिमल यहाँ लास्ट में होता है, और अगर आप डिनोमिनेटर से एक जीरो हटाते हैं तो ये डेसिमल यहाँ से एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पर। तो देखिए जब हमने 1414 को 10 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, 141.4, क्योंकि जो डेसिमल यहाँ था वो यहाँ से एक डिजिट लेफ्ट की तरफ यहाँ शिफ्ट हो गया। अब हम फाइनली लिख सकते हैं, हैंस द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स इज इक्वल टू 141.4 सेंटीमीटर। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया स्टूडेंट्स, हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट, यानी कि हमें ये बताना है स्टूडेंट्स कि कितनी लड़कियों की हाइट मीन हाइट से ज़्यादा है, और मीन हाइट हमारी कितनी आई है, 141.4। तो अब हम इस डेटा में चेक करेंगे कि कितनी वैल्यूज ऐसी है जो कि मीन हाइट यानी कि 141.4 से ज़्यादा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, 150,
उसके बाद 151, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं 146, उसके बाद 149 और उसके बाद 143। ये सभी वैल्यूज़ मीन हाइट यानी कि 141.4 से ज़्यादा हैं। अब देखिए ऐसी कितनी हाइट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो पांच ऐसी लड़कियां हैं जिनकी हाइट मीन हाइट यानी 141.4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो फिफ्थ पार्ट के आंसर में हम लिखेंगे 5 गर्ल्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।